हेलो सर, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एम कॉम में जो यूनिट 20 है उसका एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस के लिए, जिसका नाम है इंडिया ट्रेड विथ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सर, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो सर ये एक बार हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सर। इंडिया ट्रेड विथ UAE फ्रॉम द ईयर 2001 एंड 2 टिल 2005 एंड 6 इज शोन इन द टेबल नंबर 20.14। इट कैन बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बट द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हैज़ बिन फार मोर देन इन इम्पोर्ट। ड्यू टू दिस रीजन द ट्रेड बैलेंस हैज़ बिन फेवरेबल टू इंडिया, ऑल्दो टिल 1997 एंड 1998 इट वॉज नेगेटिव। सर, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो आपके नीचे टेबल दी गई है 20.14, जहाँ पर इंडिया और UAE की बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसका सारा ब्यौरा दे रखा है। और इस पैराग्राफ के अनुसार ये बताया गया कि पिछले 5 सालों में जो इंडिया और यूएई के बीच में जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, वो दोनों में ही हमारे जो ग्रोथ लेवल आया, मतलब उसमें वृद्धि हुई है दोनों में, चाहे हम उनको अब एक्सपोर्ट करें या उनसे हम माल को इम्पोर्ट करें, दोनों में ही इंक्रीमेंट हुआ है। सर, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 1991 के बाद से जब हमने जब इकोनॉमिकली कुछ रिफॉर्म लाए गए, जो पॉलिसीज थी हमारी उसमें हम चेंज लाए गए, उसके बाद से ये और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये जो हमारे पास इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो आंकड़े दिए गए हैं, ये पिछले 5 साल के दिए गए हैं, जो 2001 से 2006 तक के आंकड़े हैं। तो सर, आप खुद देख सकते हैं कि 2001 और 2002 में हमारा एक्सपोर्ट था जो वो था 2499.22 और इम्पोर्ट था 917.82। सर, ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं तो बचता है हमारे पास ट्रेड बैलेंस। देखिए सर, ट्रेड बैलेंस 158.14 से हो गया 2375.16 और बढ़ते बढ़ते ये 2005-06 में चला गया 4280.04। तो सर, यहाँ आप साफ देख सकते हैं इसमें कि एक्सपोर्ट भी हमारा बड़ा है 2499.22 से 8591.52 और इम्पोर्ट भी बड़ा है 917.82 से 4311.48। सर, आपको बेसिकली 2001 और 2002 का याद करना है एक्सपोर्ट की इतना हुआ था। आप अपने एस्टिमेशन के हिसाब से 2400 या 2500 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक लास्ट ईयर का याद कर लीजिए, आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंकड़ा है, हमें हमारा जो ये सोर्स है वो CMI जुलाई 2006 द्वारा है, और ये जो है US मिलियन डॉलर में दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं सर, ये आंकड़ों के बाद आगे और क्या कहा गया इन पैराग्राफ्स में। इंडियाज मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू UAE वर मैन मेड यान, फैब्रिक्स, मेडअप्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स, गेम्स एंड ज्वेलरीज, कॉटन, यार्न्स, फैब्रिक, मेडअप्स एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ आइटम है जो इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, तो उसमें ये आइटम्स की ट्रेडिंग होती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं सर। RMG कॉटन इंक्लूड्स एसेसरीज, मरीन प्रोडक्ट एंड मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक एंड लिनोलियम प्रोडक्ट्स, मिसलेनियस प्रोसेस आइटम। सर, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया और UAE के बीच में ट्रेडिंग के पर्पज से जाने जाते हैं। बेसिकली जो यूनाइटेड अरब है, इनके पास बहुत ही ज़्यादा जो ऑयली प्रोडक्ट कहते हैं वो होते हैं, जैसे हमारे पेट्रोल वगैरह होता है, यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। तो इसी के बारे में दिया गया है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मीट एंड प्रिपरेशन एंड टी एक्सेट्रा भी, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। सो फार एज इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम UAE आर कंसर्न लाइक अदर वेस्ट एशियन कंट्री, मतलब इंडिया जो इंपोर्ट करती है वो UAE से, वो अदर कंट्रीज़ की तरह ही करती है, और उनसे क्या क्या जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर द मेन आइटम जो UAE के पास, जैसा कि मैंने बताया कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑयल रहता है, तो कॉमन सेंस की बात है सर कि हम भी उनसे ज़्यादा जो करके हम उनसे ऑयल ही खरीदेंगे, तेल पेट्रोल ही खरीदेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। सम अदर आइटम ऑफ सिग्निफिकेंस दैट आर सप्लाइड बाई UAE इंक्लूड मेटल लाइफ ऑर्स एंड मेटल्स
माफी चाहूंगा सर, स्क्रैप गोल्ड एंड सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स नॉनवेज मेटल फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड सल्फर्स एंड अनरोस्टेड आयरन पिरिट्स एक्सेट्रा। सर ये कुछ आइटम्स होते हैं जो इंडिया यूएई के साथ परचेज यूएई के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं आना सर, सिंपल सी चीज़ें, हमें बस ऊपर ऊपर से इसके बारे में पढ़ लेना और अगर क्वेश्चन आता है तो अपनी तरफ से हम बना के लिख सकते हैं। लाइक इंडिया और यूएई आपस में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें कुछ अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स देंगे, उनका जो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जिसकी वजह से उनका नाम है पूरे वर्ल्ड में वो उनका सर तेल वगैरह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है जिसको वो अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है यूएई का वो तेल प्रोडक्ट से ही आता है, तो इसमें हम मना बना के लिख देंगे। बाकी हम इसके कुछ आंकड़े ध्यान रखेंगे जैसे 2001 2002 2005 से 2006 तक। और सर ये बेसिकली ना हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसमें भी हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इंडिया का जो यूएई के साथ ट्रेड होता है वो इसमें इस तरह होता है। तो बाकी सर अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो सर 20 मार्क्स का आएगा, आप इस आंकड़ों को जिस तरह से मैंने पढ़ा उस तरह पढ़ लीजिए और पेपर में सर जाके बहुत ही अच्छी तरह से कर दीजिए। सर अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि जल्दी हमारे एग्जामिनेशन है, और सब्सक्राइब कीजिए अमूल्य सिंह क्लासेस अगर आपने अभी तक अमूल्य सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।